हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल टमेटिकलर्स में। मैं दीप्ति पाटिल आज आपके साथ एक हेल्दी नूडल्स की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। जी हाँ, आपने सही सुना, हेल्दी नूडल्स। आप सोच रहे होंगे नूडल्स और वो भी हेल्दी कैसे, तो आज की रेसिपी का नाम है रागी नूडल्स। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो बढ़ते हैं रेसिपी की तरफ। इस रेसिपी बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता है अब हम देखते हैं। यहाँ पर मैंने एक रागी नूडल्स का पैकेट लिया है। आपको ये नूडल्स कोई भी इंडियन सुपर मार्केट में मिल सकता है। उसी के साथ मैंने कुछ कलरफुल वेजेस लिए हैं, जैसे कि शिमला मिर्च, तीन तरीके के हरी, लाल और पीली। उसी के साथ मैंने लिया है बारीक कटा हुआ प्याज, टमाटर और कुछ बारीक कटा हुआ कैरोट। और साथ ही मैंने लिया है दो तरीके के टोमेटो केचप और बारीक कटा हुआ धनिया। अगर आपको ज़्यादा तीखा पसंद है तो आप यहाँ पर ग्रीन चिली का भी यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले हम नूडल्स को बॉईल कर लेंगे। उसके लिए यहाँ पर मैंने एक पैन लिया है और उसके अंदर मैं डालूंगी एक ग्लास के करीब पानी। और पानी में उबाल आने के बाद हम इसमें डालेंगे नूडल्स। हमें इसे 2 से 3 मिनट तक इसे बॉईल करना है। और जैसे ही ये बॉईल हो जाए हम इसका एक्सेस पानी निकाल कर इसे साइड में रख देंगे। अब हम सारे वेजेस को अच्छे से भून लेंगे। उसके लिए यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई में 1 टीस्पून के करीब तेल डालकर प्याज को अच्छी तरह से भून लिया है। यहाँ पर हमारा प्याज अच्छे से भून चुका है, तो अब हम इसमें डालेंगे शिमला मिर्च और गाजर। इसे भी हम हाई फ्लेम पर 1-2 मिनट के लिए भून लेंगे। हमें इसे ज़्यादा नहीं पकाना है, हमें सारे वेजेस को क्रंची ही रखना है, इसीलिए हमें यहाँ पर इसे हाई फ्लेम पर पकाना है। तो यहाँ पर हमारे सारी वेजेस अच्छे से मिक्स हो चुके हैं, तो अब हम इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ टमाटर। बारीक कटा हुआ टमाटर डालने के बाद हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और साथ ही हम डालेंगे 2 तरीके के केचप। यहाँ पर मैंने टोमेटो एंड चिली सॉस का यूज़ किया है। अगर आपको केचप या चिली सॉस नहीं पसंद तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ धनिया और रागी नूडल्स मसाला। आप ये मसाले की जगह पर मैगी मसाला या घर के मसाले भी यूज़ कर सकते हैं। और साथ ही हम डालेंगे बॉईल किए हुए नूडल्स। दोस्तों, अगर आप ये रेसिपी अपने बच्चों को खिलाएंगे तो मेरी गारंटी है कि आपके बच्चे हक्का नूडल्स की रेसिपी भूल जाएंगे। तो लीजिए, यहाँ पर हमारा हेल्दी रागी नूडल्स तैयार है। तो देर किस बात की, आज ये रेसिपी ट्राई करें और मुझे कमेंट के थ्रू ज़रूर बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। तो फिर से मिलते हैं न्यू रेसिपी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। Thank you.